सोनपुर मेले में है और लगातार आपको सोनपुर मेले की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख ही रहे होंगे कि यूनिक से यूनिक चीज़ सोनपुर में आया है। रील्स बनाने के शौकीन हैं तो आपको एक बार इधर आना पड़ेगा और इनसे भाई साहब से पूछते हैं कि क्या चार्ज है और कैसे यह रील्स बनाते हैं। तो ये इधर तस्वीर दिखाइए, मैडम का रील्स बन चुका है। क्या नाम है मैम? सोनी रंजन। तो ये क्या था? क्या रील्स था? रील्स बना रही थी। हाँ। कहाँ डालना है? क्या? कहाँ पे रील्स डालना है? इंस्टा पे डालना है। हाँ। कैसा लग रहा है इसमें? अभी तो देख ही रहा है भाई। कितना चार्ज लगा? 50 रुपए। 50 रुपए में? हाँ। कितने सेकंड का रील्स बना के दिया? 35 सेकंड। कितना सेकंड का है इसमें? 35 सेकंड। कहाँ से आई हैं? हम पटना से। कैसा लग रहा है मेला? मेला ही घूमने आए, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप चश्मा लगा लीजिए, चश्मा में अच्छी लगती है। हाँ, अब बोलिए, अब कैसा आज मेला दिख रहा है? अब मेला रंगीन दुनिया दिख रहा है। क्या खास लगा इस मेले में आपको? इस मेले में जलेबी हमको खास लगा, गुड़ वाला जलेबी खाने के लिए। चलिए, मैम थी अभी रील्स बना रही थी, भाई साहब है जो रील्स बनवाते हैं। क्या नाम है? मुकुल कुमार। कहाँ लगाए हुए हैं? ये मेला में लगाए हुए हैं, और कहाँ लगाएंगे? कैसे आइडिया मिला इस चीज़ का? ये आइडिया तो बड़े भैया मेरा लगाए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, हमने मेरा भैया लगाए हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे काफ़ी। कितना मिल जाता है रोजाना? रोजा में नहीं, मेरा अपना तो रोजा में कुछ नहीं मिलता है। नहीं, कितना कमाई हो जाता है? वो अनुभव नहीं है मेरे पास। कितना लगभग? मतलब कि हम फर्स्ट दिन अभी किए हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी पहला दिन है, लेकिन यह कारोबार काफ़ी दिनों से चल रहा है। हाँ, मतलब स्टूडियो से फर्स्ट दिन से चल रहा है। वो कैसे लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ पर मतलब देखने के लिए मेला आते हैं, और क्या, इसको रील्स बनाना होता है, वायरल होना। हाँ, देखिए रील्स बना के लाखों करोड़ों लोग कमा रहे हैं, लेकिन रील्स बनाने में भी पैसे लगते हैं काफ़ी संख्या में। मैं क्या नाम हुआ आप? वर्षा भारती। कहाँ से आई हैं? वैशाली से ही आई हैं। कैसा लग रहा है ये सेटअप यहाँ देख रही हैं बड़े गौर से? अच्छा लग रहा है, इसीलिए तो देख रहे हैं ना, क्योंकि अच्छा लग रहा है। आपको भी बनवाना है, इसीलिए तो खड़े हैं। अच्छा, रील्स बनाना है? नहीं, रील्स नहीं बनाना है। क्या नाम है मैम? नेहा कुमारी। नेहा जी कहाँ से आई हैं? हम यही अंचल अमीन है, यहाँ सोनपुर ब्लॉक में है। अच्छा, आप सरकारी कारी में है दोनों? अच्छा, सरकारी अमीन है और मेला घूमने आए हैं। और यहाँ भी था निगरानी के लिए। हाँ, संडे का दिन है, छुट्टी होगा ही है, तो रील्स बना रही है। रील्स अभी बनाएंगे, पहले दिन जिस दिन ओपनिंग हुई थी उस दिन में बनाए थे। कैसा लगता है ये सेट? अच्छा लगता है, यूनिक है, पहली बार है। एक बार आप बनाइए। हम तो बनाए हैं, हमें तो अच्छा लगा है। हाँ, ये पहली बार आया है। पहली बार है। कैसा है मेला इस बार? कैसा लगा? इस बार बहुत अच्छा मेला लगा है, अच्छे तरीके से लगाया भी गया। पर कल बंद हो गया था अचानक। हाँ, कुछ अलग ही मैटर है। हाँ। वो थोड़ा अंदर का मैटर। आप यहाँ सरकारी अमीन है, घर कहाँ है आप? मेरा घर यहीं वैशाली है। वैशाली में ही है और यहीं पे अमीन? हाँ, यहीं पे मेरा मतलब पोस्टिंग यहीं है ब्लॉक में। क्या क्या घूमी है इस मेले का, क्या खास वजह? आप तो यहीं पे हैं, यहीं सरकारी विभाग से हैं, लोगों को क्या कहना चाहेंगी? आए तो क्या घूमे, क्या देखे? आइए और यहाँ, हाँ, सबसे पहले तो फिश टनल जरूर घूमिए, कुछ अलग है। और जितने विभागीय मेला है जरूर घूमिए, क्योंकि वहाँ जरूर कुछ सीखने को मिल रहा है, इसलिए पक्का घूमिए। लोग आते हैं, ज़्यादातर उनके दिमाग में होता है थिएटर देखना, घोड़ा मार्केट, जानवरों का मार्केट, लेकिन ये जो आप स्टॉल बोली हैं सरकारी स्टॉल देखने के लिए, काफ़ी कम लोग देखते हैं, कारण क्या होगा? बात है कि लोगों को जानकारी कम है, उतना अवेयरनेस नहीं है, और आएंगे तो हमको लगता है फायदा होगा। हमको रहता है कि झूला उला, अरे मस्ती करेंगे, झूला देखना है, ये करना है, यही रहता है, इसलिए लोग इस सब पे ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन जानकारी रियलिटी में ये चीज़ घूमना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ नहीं मिलता है सब जगह। झूला तो आपको छोटा मोटा मेला में भी मिल जाएगा, लेकिन ये सब आपको हर मेला में तो मिलेगा नहीं।